तो हम लोग आज बात करेंगे मासिक चक्र के बारे में, जो क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग जानते हैं मासिक चक्र क्या होता है। तो सबसे पहले मासिक चक्र होता क्या है, इनको समझेंगे। मासिक चक्र क्या होता है, यह एक प्राकृतिक चक्र है जो मनुष्य में होता है, साथ ही गोरिल्ला, चिंपैंजी और बंदर कपी में भी ये चक्र होता है। आगे समझते हैं, यह चक्र 28 और 29 दिन का होता है। 28 या 29 दिन का ये चक्र होता है। स्त्रियों में यह 11 से 12 वर्ष में प्रारंभ होता है और बंद कब होता है, 45 से 50 वर्ष में क्या होता है, बंद हो जाता है। जब पहले तो मासिक चक्र की चार अवस्था होते हैं, चार प्रवस्था, फोर स्टेज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए अवस्था को देखते हैं। पहला ब्लीडिंग फेज है, रक्त स्त्राव प्रवस्था, और दूसरा है पुटिकी प्रवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, और तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज, अंडोसर्जी प्रवस्था, और चौथा है लूटियल फेज, लूटियल प्रवस्था हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो ब्लीडिंग फेज होता है, पहला अवस्था जो होता है वो 3 से 5 दिनों का होता है। तो मान लेते हैं अगर 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो 1 से 5 दिन क्या चलेगा, ब्लीडिंग फेज होगा। फिर 6 से लेकर के 13वां दिन को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। दूसरा प्रवस्था ये मासिक चक्र का है, और तीसरा 14वां दिन में प्रवस्था होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। यह केवल 1 दिन का प्रवस्था, 1 दिन का अवस्था, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, और ये 14वां दिन होता है, ठीक है। फिर 15 से लेकर के 27 या 28 दिन का जो फेज होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लूटियल फेज बोलते हैं। ये मासिक चक्र का चौथा प्रवस्था है। आगे हम लोग देखेंगे चारों प्रवस्थाओं को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो हम लोग मासिक चक्र का और चार प्रवस्था के बारे में देखेंगे। पहला ब्रीडिंग फेज था, और दूसरा क्या है, फॉलिकुलर फेज, तीसरा है अंडोसर्जी प्रवस्था, और चौथा है लूटियल फेज। तो पहला हम लोग देखेंगे ब्रीडिंग फेज के बारे में। क्या होता है ब्रीडिंग फेज, इस प्रवस्था में 3 से 5 दिनों तक ब्रीडिंग होता है। ब्रीडिंग के रूप में इंडोमेट्रियम प्लस टूटे फूटे उत्तक का क्या होता है, विजना द्वारा ब्लड के रूप में स्रावित होता है। ब्लीडिंग के रूप में इंडोमेट्रियम का दीवार, इंडोमेट्रियम का दीवार क्या होता है, गर्भाशय का अंतर दीवार को क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो इंडोमेट्रियम दीवार टूट करके और उत्तक का टुकड़ा टूट करके क्या होता है, विजना के माध्यम से ब्लड के रूप में बाहर निकलता है 3 से 5 दिनों की। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, इस फेज में क्या होता है, इस प्रवस्था में ग्राफियन पुटिका से परिपक्व अंडाणु ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाता है। ग्राफियन पुटिका क्या होता है, तो जो अंडाणु जिस पुटिका में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन पुटिका बोलते हैं। तो ग्राफियन पुटिका से परिपक्व अंडाणु जो है वो ओव्यूलेशन के लिए, मतलब अंडाशय से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। और साथ ही इसी अवस्था में इंडोमेट्रियम का जो दीवार जो टूट गया था 3 से 5 दिनों में, वो दोबारा क्या होता, निर्माण होने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है गर्भाशय के अंत भित्रीय स्तर में, ठीक है। तीसरा फेज है अंडोसर्जी प्रवस्था, इस प्रवस्था में क्या होता है, मासिक चक्र के करीब बीच में यानी 14वें दिन अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंडोसर्ग बोलते हैं। मतलब जब मासिक चक्र स्टार्ट होगा उसके 14वें दिन के बाद क्या होता है, जो अंडाणु होता है इसको मादा युग्मक बोलते हैं, वो अंडाशय से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो मादा युग्मक अंडाणु को अंडाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन या अंडोसर्ग बोलते हैं। अंडोसर्ग के बाद अंडाणु फिलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, फिलोपियन ट्यूब में चले जाता है, ताकि शुक्राणु जब आएगा तो क्या होगा, वहां पर निषेचन का प्रक्रिया होगा ना। अगर निषेचन नहीं होता तो क्या, वो अंडाणु द्वारा मासिक चक्र के दौरान, ब्रीडिंग के दौरान क्या होगा, बाहर मुक्त हो जाएगा ना। चौथा फेज है लूटियल फेज, लूटियल प्रवस्था, इसको देखेंगे। अंडोसर के बाद शेष बचा फॉलिकल पीले रंग का हो जाता है। तो अंडाशय जिस भी फॉलिकल में होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, फॉलिकुलर बोलते हैं उनको। तो अंडाशय जब निकलता है तो वो शेष बचा हुआ भाग बच जाता है ना, जिससे अंडाशय निकलेगा तो उसका चारों ओर से झिल्ली जो होता है, फॉलिकल जो होता है वो बच जाता है। उस फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, जो पीले रंग का होता है। अब ये कॉर्पस लूटियम एक ग्रंथि का रूप ले लेता है, ग्लैंड का रूप ले लेता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। और ये हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय का जो भीतरी दीवार है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये था चार प्रवस्था मासिक चक्र का।